यूपी के शाहजहांपुर जिले से चोरी की एक अनोखी वारदात सामने आई है। इस तरह की वारदात के बारे में आपने शायद ही पहले कभी सुना होगा। दरअसल यहाँ एक व्यापारी के गोदाम में चोरी हो गई है। गोदाम से रुपया जेवर नहीं बल्कि चोर सब्जी ही चोरी कर ले गया। सब्जी भी चोर ने बड़ी ही होशियारी से चुराई। चोरों ने सबसे पहले नींबू पर हाथ साफ किया। नींबू का रेट इन दिनों बाजार में फलों से भी ज्यादा है। इसी वजह से चोरों ने गोदाम से 60 किलो नींबू पार कर दिए। इतना ही नहीं, चोरों ने नींबू के साथ साथ लहसुन, प्याज और कांटा बाट भी चुरा ले गए। यह वारदात क्षेत्र में काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। सारा सामान सड़क पर बिखरा पड़ा था। चोर उनके गोदाम से 60 किलो नींबू, लगभग 40 किलो प्याज, 38 किलो लहसुन एवं कांटा बाट चुरा कर ले गए। नींबू थोक रेट में 200 रुपए प्रति किलो बिक रहा है, जबकि मंडी में यही नींबू 250 से 280 रुपए प्रति किलो तक बिक रहा है। चोरी की सूचना मिलने पर इकट्ठे होकर व्यापारियों ने नाराजगी जताई। रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।